मैक्सवेल ने एंड में कंक्लूड किया कि जब से मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ रहा हूँ और जब से आप पढ़ रहे हैं अप्रैल से लेकर अभी तक, जितना भी आपने वॉल्यूम वन किया, वॉल्यूम वन का पूरा नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो आपने देखा होगा इलेक्ट्रोस्टैट से ख़त्म हुआ और मैग्नेटिज्म करते हुए ईएम वेव तक चल रहा है और एंड में मैक्सवेल इसको क्लोज कर रहे हैं। इसके बाद तो ऑप्टिक्स की कहानी स्टार्ट है। तो उसने कहा पूरा दुनिया का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चार ही क्वेश्चन से डिफाइन किया जा सकता है। बस पहली क्वेश्चन है गॉस लॉ। गॉस लॉ बहुत बड़ी अचीवमेंट थी क्योंकि गॉस लॉ बहुत कॉम्प्लेक्स फिगर में, इजी कॉम्प्लेक्स फिगर में ई की वैल्यू निकाल दिया करता था। तो पहली जो वैल्यू है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की इक्वेशन वो गॉस लॉ है। दूसरा गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, ये हमने नहीं किया, हमारे कोर्स में नहीं है, पर कॉम्प्लेक्स फिगर्स में जहाँ कॉम्प्लेक्स मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहाँ गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म भी काम करता है। तीसरा क्या है, फेराडेज लॉ। फेराडेज लॉ भी बहुत ज़बरदस्त डिस्कवरी थी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या थी, माइनस डी फाई बाई डी टी। लेकिन ईएमएफ क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, और इलेक्ट्रोस्टैट से पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ई डॉट डी एल। तो देख रहे हो ई डॉट डी एल पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ की जगह उसने पोटेंशियल डिफरेंस मार्क कर दिया, तो जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाला जा सकता है। तो ये एक इक्वेशन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस्ड वैल्यू ऑफ जो ईएमएफ है उसके साथ डील करती है। और आखिरी उसने कहा जी मेरा नाम भी ले दो एम्पियर मैक्सवेल लॉ, क्योंकि मैंने भी बड़ी अचीवमेंट की है, क्योंकि एम्पियर सर्कुलर लॉ की करेक्शन किया और नई डिस्कवरी लेके आया हूँ मैं, डिस्प्लेसमेंट करंट, जहाँ से तुम्हें पता लगा कि ईएम वेव नाम की चीज़ भी पैदा होती है। तो ये चार इक्वेशंस मोर देन सफिशियंट है समझाने के लिए जो मेरे ड्रास्टिक चेंजेस लेके आए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, और पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को ये चार इक्वेशंस कवर कर देती हैं। ठीक, अगर देखा जाए तो सही कह रहे हैं, चारों से ही सारी चीज़ें चल रही हैं।